गाइस देखिए जंगलों के बीच कितना सुंदर रास्ता है, आपको लगेगा ही नहीं कि आप गुड़गांव में हैं। तो गाइस हम पहुंच चुके हैं मंदिर में, बहुत ही सुंदर एरिया है। आप देखिए, ये देखिए आसपास का एरिया कितना सुंदर है, सारे आ चुके हैं सुबह से घूम रहे हैं। तो गाइस देखिए कुछ इस तरह की मूर्ति है यहाँ पूरे मंदिर परिसर में। और ये देखिए गाइस, ये है मंदिर की गौशाला और यहाँ पे देखिए कितनी सारी गायें हैं। तो गाइस कम से कम 200 गायें हैं यहाँ पे। तो गाइस देखिए, ये है विष्णु भगवान का नरसिंह अवतार, जब भगवान जी ने हिरण्यकश्यप को मारने के लिए नरसिंह का अवतार लिया था। तो गाइस देखिए, सांस का बंदर, सांस का पालतू बंदर है, और देखिए सांस को कुछ नहीं कह रहा ये बंदर। तो गाइस देखिए कितना सुंदर मंदिर है, कितना सुंदर नजारा है यहाँ का, कितना पीसफुल है। तो गाइस देखिए कितना सुंदर मंदिर है, बहुत ही सुंदर, और शांति इतनी है कि मन को मोह लेगी आपके। कितना सुंदर मैजिक मंदिर। तो गाइस देखिए सारे आ चुके हैं यहाँ पे, किस तरह का रास्ता है, यहाँ से झरना टाइप का बनाया हुआ है, जब बारिश आती है तो पानी आता है शांस में, बहुत ही मस्त जगह है गाइस, आपको जरूर आना चाहिए। भाग मत भाग। तो गाइस अभी शांस आपको ऊपर जाके दिखाएगा, पूरे गुड़गांव का नजारा यहाँ से दिखता है, तो अभी आपको दिखाते हैं ऊपर जाके, बहुत ही मस्त मजा आता है ऊपर से। तो गाइस अभी हम यहाँ से आए हैं और ऐसे ऊपर ट्रैकिंग करते हुए जा रहे हैं। ये देखिए गाइस किस तरह का रास्ता है, ये जो भी आपको दिख रहे हैं ये कोई पत्थर वत्थर नहीं है, ये सब आर्टिफिशियल है, और शांस तो मेरे से पहले जा रहा है। तो गाइस चेक करिए, ऐसा है कुछ जा रहा है यहाँ से ऊपर से, पूरा गुड़गांव उधर से दिखाई दे रहा है, शायद आपको इस गोप्रो में ना दिखाई दे रहा हो, मगर वैली बहुत ही डीप है नीचे तक, और उस तरफ पहाड़ ही पहाड़ है, और इस तरफ भगवान भोलेनाथ की मूर्ति है जो अभी हम आपको आगे से दिखाएंगे। और अभी हम यहाँ पे खड़े हुए हैं, देखो इधर से दिखाई देगा आपको कितनी ऊंचाई पे। ये देखिए गाइस, इसे डर नहीं लग रहा कितनी ऊपर बैठा है, डर नहीं लग रहा क्या तुझे? गाइस वो है मंदिर, वहाँ से हम ऐसे ऐसे घूम घाम के आए हैं और यहाँ से ऊपर आ चुके हैं। शांस फिर से बैठ गया, आज थक गया ये पूरी तरह, जगह जगह जाके बैठ जाता है। तो अभी गाइस हम जल्दी से पहाड़ी पे जा रहे हैं और फिर आपको दिखाते हैं वहाँ से नजारा, वहाँ एक मचान है बहुत ही सुंदर। जय श्री महाकालेश्वर। तो शांस पहुँच चुका है भगवान भोलेनाथ की शरण में। जय भोलेनाथ। तो गाइस देखिए मेरे पीछे भगवान भोलेनाथ की कितनी सुंदर मूर्ति है। तो गाइस अभी सारे आ चुके हैं और अब हम जाएंगे पहाड़ पे, इसके दूसरी तरफ पहाड़ है, शायद तो कई बार चढ़ चुका है, शायद से बियर ग्रिल। तो गाइस देखिए मुझे क्या मिला, कितना बड़ा पंख, क्या लगता है किसका पंख हो सकता है? ये मुझे लग रहा बाज वगैरह का पंख है। तो गाइस कुछ ऐसा है पहाड़ी का रास्ता ऊपर से, और अभी हम चढ़ते हुए जा रहे हैं, जा रहे हैं, जा रहे हैं, पसीने पसीने हो गए हैं। तो गाइस देखिए ब्यूटीफुल सनसेट, और शांस कह रहा है उस मचान पे जाना है हमें। तो गाइस देखिए विशाल अभी जा रहा है इस मचान पे, ये काफी ऊंचा लग रहा है मुझे मचान, और शांस भी सोच रहा है जाने की। तो गाइस शांस भी रो रहा है जाने के लिए ऊपर, और हनी ट्राई कर रहा है मगर बस की नहीं है इसके, और विशाल तो ऊपर चढ़ ही चुका है। गाइस मैं मचान के ऊपर चढ़ चुका हूँ और आपको यहाँ से तगड़ा व्यू दिखाता हूँ। तो गाइस अभी मैं ऊपर मचान पे आ चुका हूँ, दिल्ली विल्ली गुड़गांव उड़गावा राजस्थान राजस्थान सब कुछ दिख रहे हैं, वहाँ पे राजस्थान वहाँ पे दिल्ली वहाँ पे गुड़गावा। तो गाइस देखिए अभी मैं शेर देखने जा रहा हूँ जंगल में, और देखिए वहाँ तक नीचे जंगल ही जंगल है। तो गाइस देखिए कुछ ऐसा है रास्ता, और अब हम जा रहे हैं नीचे, आज बहुत घूम लिए। तो गाइस यहाँ पे देखिए ये जो पुल बनाया गया है, और नीचे से आर्टिफिशियल झरना जो पहाड़ों का पानी आता है उसके लिए बनाया गया है, बहुत ही सुंदर पुल है ये, कितना क्यूट सा डॉगी है छोटा सा। तो गाइस देखिए कितने सारे डॉगी आ चुके हैं यहाँ पे, चांस पकड़ ले पकड़ ले पकड़ ले भाई खा जाएंगे। तो गाइस आज के लिए इतना ही, होप करता हूँ आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय, और हाँ चैनल को सब्सक्राइब कर देना।